हाँ दोस्तों, हर हर गंगे नमामि गंगे। अगर आप हरिद्वार की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको सामान रखनी है एक दिन के लिए या दो दिन के लिए, और आप घूमना चाहते हैं और होटल धर्मशाला नहीं लेना चाहते, क्योंकि अधिकतर लोग होटल धर्मशाला में सामान छोड़ के जाते हैं और घूमते हैं, फिर नाइट स्टे करते हैं। अगर नाइट स्टे करना हो तो अभी हम आपको बताएंगे, अगर आपको केवल सामान रखना है तो आप कहाँ पर रखें। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे बना हुआ है क्लोक रूम, आप यहाँ पे सामान रख सकते हैं। और एक ही नहीं, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं जो कि आपको एक एक करके हम बताएंगे। ये है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पे आपको कुछ इस तरह का दृश्य देखने को मिलने वाला है अगर आप हरिद्वार की प्लानिंग कर रहे हैं तो काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि आप सामान रखने के लिए वीडियो बनाएं, हम सामान कहाँ पे रखें। अगर हर की पैड़ी में भी आप रखना चाहते हैं तो हर की पैड़ी में भी सुविधा है, आप वहाँ पर भी रख सकते हैं। हमारे दूसरे वीडियो में उसकी जानकारी दिया गया है। आप अगर आप बाइक भी यहाँ पे रखना चाहते हैं तो यहाँ पे बाइक की पार्किंग बनी हुई है। कार रखना चाहते तो कार की पार्किंग बनी हुई है। अगर आप यहाँ से पैदल जाना चाहते हैं तो ये है अनारक्षित टिकट काउंटर, ये है आरक्षित टिकट काउंटर, तो आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं। और अभी हम जाते हैं बाहर की ओर और आपको दिखाते हैं। तो हम आ चुके हैं बाहर, ये है रेलवे स्टेशन, और ये यहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, और उसकी उल्टे दिशा यानी बस रोड क्रॉस करेंगे ये भैया आपका क्लोक रूम। यहाँ पे आप रख सकते हैं सामान और आप पूरा हरिद्वार आराम से घूम सकते हैं। तो ये है पहला, यहाँ पे आपको 30 रुपया पर बैग के हिसाब से पैसे लिया जाएगा। और यहाँ पे एक नहीं काफ़ी सारे क्लोक रूम है जो कि अभी हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। सबसे पहले और सबसे अच्छा क्लोक रूम है जो हमने आपको दिखा दिया, अभी हम एक बार और दिखाएंगे, ये है लायंस क्लब वालों का जो कि काफ़ी अच्छा है और सबसे कम दाम ये ले लेते हैं। जो रेलवे स्टेशन में जो चार्ज लिया जाता है वही ये लोग लेते हैं। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है ऊपर में क्लोक रूम, और आगे जो होटल वहाँ पर भी लिखा है, तो यहाँ यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें।